चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे अब बढ़ने लग रही है, पारा बढ़ रहा है और साथ ही साथ चुनाव की सरगर्मी भी बढ़ी। आइए हम आम पब्लिक से जानते हैं कि किन मुद्दों को ध्यान में रखे वो इस बार वोट देंगे और कैसा सांसद वो चाहते हैं इस बार धनबाद में। आइए कुछ आम जनता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। आप बताइए कि आप जब वोट देने जाते हैं तो धनबाद की किन समस्याओं को ध्यान में रखकर आप वोट देते हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि शिक्षा कैसा हो रहा है, दूसरी बार कि यहाँ का काम कैसा चल रहा है, और तीसरा हम देखते हैं कि किन किन नेताओं का पहले तो भ्रष्टाचार को देखते हुए काम करना है ना, तो उसी मुद्दे को देखते हुए मतदान करते हैं हम लोग। क्या ऐसी समस्या जिसको आप ध्यान में रखकर वोट दें? सबसे पहले तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है धनबाद का, उसको सुधार करने के लिए, और जो यंग जो जनरेशन है उनके लिए मतलब बेरोज़गारी जो है वो मुद्दा को देखते हुए, मतलब जो यंग लड़के हैं जो हैं उनको मतलब बेरोज़गार मतलब रोज़गार मिले आज के डेट में, बस यही देख कर मुद्दा मैं अपना। धनबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर और जो यंग जनरेशन को लेकर जो मुद्दे हैं उनको लेकर कुछ महिलाएं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। आप जब वोट देने जाइएगा तो धनबाद में आपके हिसाब से क्या ऐसी समस्या है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर ठीक करने को? रोड को सही करना और एडुकेशन में भी ध्यान देना है, बस अभी तो यही है। फिर सड़क की समस्या जो है धनबाद में काफ़ी पुराने, कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए कि आपके हिसाब से धनबाद में क्या क्या समस्या है और आप जब वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट देंगे? पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है, नाली का समस्या है, हम लोगों के बगल में रहते हैं, नाली साफ नहीं होती है। कौन से क्षेत्र में रहते हैं? आदर्श नगर में रहते हैं, हीरापुर। हाँ, पानी का तो समस्या ज़्यादा है ही, और बिजली माने 24 घंटा में 12 घंटा तो गायब ही रह जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है। क्या लगता है कि इस बार कोई ऐसा उम्मीदवार आपको दिख रहा है कि जिससे धनबाद के लोगों को निजात मिले? उम्मीदवार हम लोग को ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसको वोट दिया जाए और नहीं दिया जाए, हम लोग तो यही सोच ही रहे हैं कि किसको दिया जाए, कैंडिडेट कोई ऐसा हुआ नहीं जिससे धनबाद के लोगों को राहत। हाँ, जिस धनबाद के लोगों को राहत मिले, अभी सभी लोग कुछ सोच रहे हैं, कोई कुछ सोच रहे हैं, यही हो रहा है। आप बताइए कि धनबाद की क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं को ध्यान में रख के आप इस बार वोट देने जाएंगे 25 मई को? धनबाद का तो बहुत समस्या है, समझिए ना, इधर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जैसे देखिए, एयरपोर्ट बनना था वो नहीं बना, उसके बाद रोड बहुत जगह बना है, बहुत जगह नहीं बना है, मेन दो समस्या है। नाला गड़बड़ है, म्यूनिसपैलिटी को चाहिए नाला बनवाए। क्या लगता है कि इस बार अगर सही सांसद का चुनाव होगा तो धनबाद के लोगों को राहत मिलेगी? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आप बताइए कि आपके हिसाब से धनबाद में क्या समस्या है और किन समस्याओं को ध्यान में रख के आप वोट देंगे? अब धनबाद का समस्या तो ठीक नहीं है, मैंने बूंद गड़बड़ चल रहा है, कहीं कुछ पानी है कुछ पानी नहीं है, कुछ मेंटेनेंस है कुछ मेंटेनेंस नहीं है, अलग बात है कि कोई तरह से काम चल रहा है, बस किसी तरीके से काम चल रहा है, सभी का यही मानना। आप बताइए आपके हिसाब से क्या है यहाँ की सबसे गंभीर समस्या और वोट देते वक्त किन समस्याओं को ध्यान में रख के आप वोट दें? बस यही है, पानी बिजली नाला उला बनना चाहिए, बहुत रोड खराब है, गड्ढा गुढ़ा है, यही सब पानी बिजली यही सब चाहिए हम लोग। और लगता है कि इस बार चुनाव में सही चुनाव अगर होता है तो यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी इन समस्याओं से? हाँ, राहत तो मिलेगी, कुछ तो मिलेगी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि धनबाद की जनता का यही मानना है कि यहाँ की सड़कें खराब हैं, एजुकेशन को ध्यान में रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, साथ ही साथ कई लोगों को ये मानना है कि नाले की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, सड़क पानी बिजली की एक गंभीर समस्या धनबाद में बनी हुई है, पानी की समस्या, कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर दो दो चार चार दिन तक पानी नहीं आती है, तो कुल मिलाकर सभी के अंदर काफी ज्यादा इन समस्याओं को लेकर आक्रोश है। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि उम्मीद जता रहे कि अगर इस बार एक सही सांसद का चुनाव होता है तो शायद इन मूलभूत समस्याओं से धनबाद के लोगों को निजात मिले, तो वहीं कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि अभी तक उन्हें सही प्रत्याशी नहीं नजर आ रहा है जो कि इन समस्याओं से उनको निजात दिला पाए। फिलहाल तो ये पूरा मामला जो है अब देखते हैं कि चुनाव होने के बाद ही साफ तौर पर देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार सभी को यही कहना चाह रहे हैं कि आप अपने घरों से निकले, 25 मई को मतदान जरूर करें।
क्योंकि आपके एक मतदान हमारे धनबाद के भविष्य की ओर हम सभी को लेकर जाएगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शाम्भवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।